भाई मेरे को पता है मोल का मतलब तिल लगता था मुझे, हाँ स्टार्ट जब मेरे फर्स्ट टाइम ना मुझे लगा ये भी तिल इंडिया एजेंसी, कह रहा मोल इंडिया एजेंसी ये तो लकी बात है। स्पाई के पैर में जरूर मोल होता है, वो ट्रैवल जरूर करेगा बहुत। तो भाई साहब सीधे सीधे यूरोप की तंग गलियों से, तंग नहीं मतलब बहुत ही खुली गलियों से, कीपिंग इट कुल्लू में आप लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है। हम लोग यूरोप में घूम रहे थे साथ में और हमको पता चला कि भाई साहब इंडिया में एक बेहतरीन पिक्चर का ट्रेलर आया हुआ है। मैंने कहा अगर ट्रेलर आया हुआ है तो कीपिंग इट कुल्लू भी आएगा। पहले तो गौरव कपूर साहब की बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं कुल्लू जी का स्वागत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा यूरोप ट्रिप का आधा खर्चा उन्होंने आज ही निकलवा दिया, काफी उम्दा प्रदर्शन आपकी तरफ से। और जैसे कि हमारे शो की रीत है, हम हाँ। लोग भाई साहब शो शुरू करने से पहले आइसक्रीम खाते हैं हाँ। तो आइसक्रीम आज हमेशा मेरे प्रोडक्शन वाले अनशन आइसक्रीम खिलाते हैं, आज आइसक्रीम का जिम्मा मुझ पे था तो आज मैं खा रहा हूँ भाई साहब रैसबेरी आप लोग जानते हो दोस्तों हम लोगों का यूरो ट्रिप कैसा जा रहा है, हमको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा दोस्तों। ऐसा ट्रिप जा रहा है, देखो मैं रैसबेरी डंडी बाहर आ चुकी है और ये आइसक्रीम में Let's get on to the trailer without faltu baat. 2004 भाई पता मैं क्या कर रहा था? क्या? मैं करियर के लिए बहुत सीरियस था तो मैं डिसाइड कर रहा था कि आर्ट्स लू या आर्ट्स विद फिजिकल लू। तू क्या कर रहा था? मैं 7 साल का था लेकिन फिर भी मुझको क्लैरिटी थी कि आर्ट्स तो नहीं लूंगा। किसी ने गद्दारी की है हमारे साथ। ये तो लकी बात है। स्पाई के पैर में जरूर मोल होता है, वो ट्रैवल जरूर करेगा बहुत। रवि मोहन वो है हमारा प्राइम सस्पेक्ट। वो एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करके ऑफिस से बाहर ले जाता है। टेबल 2 टेबल 7 टेबल 3 है। अब सारी फैमिली हमारी निगरानी में है। स्पाई करना कितना टफ जॉब है यार, मुझे लगता है कि हाँ भाई भाई किसने कहां पे क्या चीज लगा रखी है। आप किसी मिशन पे जाओ, आप सामने से भटूरे ऑर्डर करो, भटूरे के अंदर बम निकल गया, कुछ भरोसा नहीं। कहां भरोसा भाई, सर्विलेंस कितना खतरनाक है कि कोई सर्विलेंस करने के लिए कहां पे कैमरा है आपको मालूम ही नहीं भाई, किस किस चीज में कैमरा हो सकता है भाई। सॉफ्ट टॉयज वगैरह में कितने कैमरा होते हैं, मिस्टर इंडिया नहीं देखी थी, सॉफ्ट टॉय के अंदर बम लगा देते भाई। आगे बढ़ते चलो। नहीं मेरा मानना है कि भाई एक स्पाई आदमी जो है जब मिशन से वापस आता होगा, जैसे हम भी जब ऑफिस में काम करते हैं प्रोजेक्ट से वापस आते हैं तो हमको रीइंबर्समेंट फाइल करना पड़ता है कि ये कॉफी पी ये किया वो किया। बेचारा स्पाई कैसे रीइंबर्समेंट फाइल करता होगा, मतलब उससे कितने सवाल होते होंगे, मतलब बहुत सवाल होते होंगे। जैसे कि मैं मान ले फाइनेंस वाला हूं हां और तू स्पाई है। मैं कहा सर ये मैं वहां पे था सर साउथ अफ्रीका में मिशन कर रहा था। तो भाई आपने आटे के चक्कर में क्या कर रहे थे साउथ अफ्रीका की अभी, और 5 किलो आटा अलग अलग क्यों पिसवाया आपने? सर वो जो सस्पेक्ट था सर वो आटा पिसवाने जाता था रोज, तो मैंने सोचा मैं भी पिसवा लूँ, अकेला खा रहा हूँ चक्की पे बुरा लगता सर। तो ये सस्पेक्ट रोज की 12-13 सिगरेट पीता था सर, वो आटा पिसवा के सर वो ठेले पे जाता था ना सुखा मारने, तो मैं वहाँ ठेले पे अकेला खा रहा हूँ बुरा लग जाता। अरे 30 दिन तक रोज का अद्धा क्यों पिया गया यहाँ पे? सर वो सिगरेट वो पीता था तो उसका मन करता था कि मैं दारू पियो, तो वो बार में बैठ जाता था सर। अच्छा, फिर मैं बार में अकेला बैठूंगा तो बिना कुछ किया बुरा लगेगा, तो मैंने कहा 2 ड्रिंक। तो ये डबल एप्पल हुक्का भी स्पाई पीता था सर? वो मेरे को देख रहा था बार बार, तो मैं कहा मुंह छुपाने के लिए सर धुआं कर देता हूँ सर। और ये सैंडविच मसाज ये भी वो करता था और आप भी करा लेते थे? नहीं नहीं ये तो अकेला मैं ही करता था। स्पाइस के राइट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है अभी तक, और मतलब जितने भी जासूस हैं पूरी दुनिया में उनके बारे में उनकी कोई हक की आवाज नहीं है, उनके लिए कोई टिफिन सेंटर नहीं है, विदेशों में बेचारे कहीं कोने में पड़े रहते हैं, रात में पीछा करते करते फंस गए कहीं पे, उनकी कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है कि स्पाई हेल्पलाइन नंबर कुछ। एक स्पाई राइट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए स्पाइट्स। क्या बात है, कितनी क्रिएटिविटी हम लोगों में कूट कूट के भरी हुई दोस्तों। कोई एजेंसी क्रिएटिव एजेंसी हमको साइन करना चाहती है तो प्लीज। कैम पुश इज बैक, एवरीवन हरी अप, वेयर इज दिस मनी कमिंग फ्रॉम यार, टेल मी द ट्रूथ।
That's a secret. ये भाई साहब ये देखो मियां बीवी और घर का ड्रामा चल रहा है गोरखपुर ब्लॉग के गोरखपुर ब्लॉग केस भाई वाली सीरीज है कि भाई बिग बॉस चल रहा है उसके अंदर नहीं नहीं ये गोरखपुर अभी मैं कलेश स्पाई और उसकी बीवी में कलेश तुम अपना असली नाम कब बताओगे मुझे 5 साल की शादी में तुम आठ नाम बदल चुके हो अब बता असली नाम क्या है ऑपरेशन ब्रूटस विल स्टार्ट टुनाइट ओह हेल Portia has left the building. Julius Caesar पधारे नहीं अब तक. Julius Caesar. एक तो भाई सारे ये Rome वगैरह के नाम इन लोगों ने डाल दिए. मतलब एक बंदा spy एक तो मेहनत करके उसने raw का paper किया था. पता कितना difficult paper होता. उसके बाद उसने novel नहीं पढ़ी तो यहाँ पे fail हो जाएगा. बड़ा basic नाम होने चाहिए ना. ऐसे नाम रखो जिसके बारे में अभी जैसे इस टीम में जिसको भी जूलियस सीजर के बारे में नहीं पता होगा हाँ। वो तो कहीं का कहीं चले जाएगा ना पहले वो पढ़ के आए पूरा नाम किताब पढ़े ज्यादा हिसाब से तो जेठालाल वगैरह डालो ये देखो आशीष विद्यार्थी सर अरे सीनियर ब्लॉगर व्हेन आशीष व्हेन आशीष विद्यार्थी सर स्पॉट्स अ न्यू समोसा जॉइंट दोस्तों आज हम यहां व्लॉग बना रहे वाले हैं सर ने सीरीज का व्लॉग बनाया होगा ना दोस्तों आज मैं तब्बू जी से मिला हूं तब प्लीज आशीष जी आप फिर हाँ नहीं नहीं लेकिन आशीष साहब प्लीज आशीष जी आई एम अ स्पाई आई कांट बी इन ब्लॉग प्लीज आप कुछ तो सोचिए यार हाँ, 5 साल से आइडेंटिटी बचा करके बैठी हो अपने ब्लॉग पर डाल दिया सब कुछ भाई ये ब्लॉगर को मतलब स्पाई सीरीज में बता दो ये मुझे सारे भेद खोल देगा सारा रहता टॉप सीक्रेट दोस्तों हाथ में टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लग चुके हैं ये देखिए मैं कभी नहीं दिखा था थंबनेल पे आ गया थंबनेल पे टॉप सीक्रेट पर मेरी ऑडियंस से कुछ नहीं छुपा सकता आप मेरी फैमिली की तरह है टुडे वी आर 4 लाख फैमिली हम उसको 6 लाख फैमिली को लेके जा रहे हैं ये दीजिए टॉप स्टोरी इन दिस डॉक्यूमेंट सारे यूज कूपन कोड रवि आर यू बिट्रेइंग योर कंट्री मेरा तो इतनी सीरियस सिचुएशन हूं कभी इंग्लिश ना निकली क्या तुम देश को देखो दे रहे हो आई बिट्रेइंग योर कंट्री मुझसे वफादारी हाँ करो ये हाँ। तो भाई मुझे समझ नहीं आता जैसे ही तुम्हें ये दिल्ली का सीन कहाँ था हाँ दिल्ली का दिल्ली है ना जब दिल्ली दिखा रही थी ये वाली छत क्यों दिखाते हैं दिल्ली में ऐसी छत किसी क्या नहीं है भाई हमारे यहाँ बढ़िया छत है ये छत ही ऐसी दिखाते कबूतर उड़ा रहे हैं आओ आओ कोई नहीं कर रहा दिल्ली में ऐसा प्लीज मुझसे वफादारी साबित करने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी हाँ कह रहे इसमें स्पेशल क्या है तो एचआर जैसे पूछ रहे हैं कि एचआर के सर मैंने इतना काम किया पर ये तो तुम्हारा केआर ही था ना यार जाए नाव पे लगाना तो एक्सपायर का केआर ही मतलब तो की रिस्पांसिबिलिटी एरिया भी है वो तो इसका तो इसको रेटिंग एटलीस्ट 10 रेटिंग मिलेगी इसने जान नाव पे लगाई थी वो गैस स्पाई जो जानी नाव पे नहीं लगा रहा तो स्पाई कैसे है वो फिर तो वो कर्मचारी है नॉर्मल ऑफिस का मेरी सोच इस देश की सोच से शायद थोड़ी आगे है दैट्स माय क्राइम बट आई एम नॉट अ देशद्रोही आई एम अ ब्लडी पेट्रियट 24 घंटे दे रही हूं घर का निकल जाओ जिंदा आदमी बस एक मांस का टुकड़ा है आप लोगों के लिए जब तक काम आता रहे तब तक एसेट नहीं तो लायबिलिटी समझ नहीं आता जो भी स्पाई पिक्चर है जिसमें बाकी ये मर्डर वर्डर बेचारे जो क्राइम वाइम वाले लोग रहते हैं इन लोगों के वीजे इतने आसानी से कैसे लग जाते हैं ये बात है भाई हमारी हालत खराब हो गई अगर वीजा लगाने में भाई मैं इतने डॉक्यूमेंट दिए ना मैंने इस कंट्री को मेरा वीजा लगा कैसे जानता हूँ मैंने म्यूचुअल फंड दिखाए हैं इनको कि सर 3 साल से मैंने निकाले नहीं है लगे हुए हैं लॉस हुआ फिर भी नहीं निकाला सर ये सब चीजें बतानी पड़ी इन लोगों के सबके वीजा गरीब रहते हैं ये लोग फिर भी वीजे प्रॉपर लगते इसने हैं। सारे कागज दिखा दिए जितने मांगे थे एक एक कागज दिखा मैं भाई अपने इंटरव्यू लेके गया हूँ बचपन के सर मैं सेकंड क्लास में था मैंने पेट्रियोटिज्म पे लेक्चर लिखा था सर मैं इंडिया वापस आऊंगा सर आप चिंता मत करो और भाई इनके सब और सीनिक लोकेशंस पे इनको एंट्री भी मिल जाती है ये अभी हम लोग घूम रहे हैं एक सीनिक लोकेशन नहीं मिल रही हमको लेट हिम डाई वो बच गया तो तुम नहीं बचो मुझे मालूम है आप कौन है कृष्णा मेहरा मगर हमारी दुनिया में केएम स्मार्ट कृष्णा मेहरा इज केएम भाई कुल्लू ट्रेलर तो देख लिया हाँ साहब अब 30 सेकंड में सबको समझा दे कि तेरे को समझ क्या आया बिल्कुल सब समझा दिया जाएगा तो भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि अली फजल जी जो है वो एक रॉ के ऑफिसर हैं और तब्बू जी उनकी सीनियर ऑफिसर हैं लेकिन तब्बू जी को शक है कि अली फजल जी कुछ एक ऐसा गलत काम कर रहे हैं और जो एजेंसी की सीक्रेट टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो दे रहे हैं कहीं और लीक कर रहे हैं तो उनके पे ऊपर सर्विलांस हो जाता है 24 घंटे उनके घर वालों पे वामिका गापी जी उनकी वाइफ बनी है उन पे सर्विलांस होता है उनकी बेटी पे सर्विलांस होता है उनके घर पे पूरा उनको 24 घंटे उनको निगरानी में रखा जाता है और सच में पता चलता है कि वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद शायद
ऐसा दिखाया जाता है कि सेकंड हाफ में कोई एक ट्विस्ट आता है जिससे अली फजल जी शायद सही दिखाए जाते हैं एंड लोगों में चेंज होता है। अभी तक मुझे ट्रेलर देख के इतना ही महसूस हुआ है, आगे पता चलेगा भाई साहब जब हम पिक्चर देखेंगे कि ये एक्चुअली में था क्या। खुफिया इज रिलीजिंग ऑन 5th अक्टूबर ओनली ऑन नेटफ्लिक्स एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया स्पाई थ्रिलर होने वाली है क्योंकि एज अ फैन ऑफ विशाल भारद्वाज मुझे हमेशा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और सारी मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती हैं सारी पिक्चर्स। आई एम वेटिंग फॉर दिस मूवी और भाई साहब आप लोग भी देखिए और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया अगर उससे सिमिलैरिटी हुई तो तुम लोग मेरे को तारीफ कर देना। बाकी सब्सक्राइब टू नेटफ्लिक्स इंडिया का यूट्यूब चैनल। बाकी इंडिया वापस आते हुए कीपिंग इट कुल्लू बैक फ्रॉम द स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे।